मेरे पास यहाँ राइस बच गए हैं, देखिए काफ़ी राइस बच गए हैं, करीबन ये 2 कप होंगे, 2 कप राइस हमारे यहाँ बच गए हैं। आज हम राइस से बनाएंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी और कम से कम ऑयल में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा नाश्ता बनाएंगे बचे हुए राइस से। राइस को हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची को हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में डालना है, इस तरह से हम कट करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे ताकि ग्राइंड अच्छे से हो जाए। मैं यहाँ थोड़े छोटे छोटे पीसेस में डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 7 से 8 लिए हैं कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ता को भी हम इस तरह से काट के डाल देंगे, इसमें इस तरह से हमें काट के डालना है कड़ी पत्ता को। 1 छोटी चम्मच जितना डालना है हमें अदरक, अदरक को हमें कद्दूकस करके डालना है। अदरक को मैं यहाँ इस तरह से घिस कर डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना दही। सबसे पहले हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दही के साथ मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जो राइस हमारे बचे हुए हैं वो डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। राइस हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा पानी भी डाल लेंगे साथ में। सबसे पहले हम ग्राइंड करके देखेंगे, फिर ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमें हल्का गाढ़ा बैटर चाहिए। राइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी, रवा डालना है हमें 2 टेबल स्पून डालेंगे हम रवा। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी ही ग्राइंड करेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं अभी अच्छे से पीसा नहीं जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है। देखिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक, नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 TSP चिली फ्लेक्स, 1/2 TSP लेंगे काली मिर्ची का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए बैटर हमारा काफ़ी पतला है और राइस का बैटर है, इसे हमें बाइंडिंग के लिए भी कुछ डालना पड़ेगा, तो हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा बेसन और ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ करीबन 1/4 कप कर दिया है, हम मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ बेसन मिक्स कर लिया है 1/4 कप और थोड़ा सा और डाल लिया है 1 टेबल स्पून जितना। ये देखिए अब अच्छे से बैटर हमारा रेडी हो गया है, थोड़ा थिक भी हो गया है। गैस पर मैंने यहाँ तवा रखा है, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और गर्म कर लेंगे। अच्छे से हम इसे ऑयली कर लेते हैं। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है, तवा हमारा गर्म हो गया है। इसके ऊपर टिश्यू पेपर से थोड़ा पोंछ देंगे हम, पानी का टिश्यू पेपर लेना है हमें। पानी लगा लिया है मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर पर। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जो बैटर हमने रेडी किया है मैं यहाँ 1 चम्मच भर के ले रही हूँ, इसे इस तरह से हम थोड़ा फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसे हम थोड़ा फैला लेंगे। ये देखिए फैला लिया है, हल्का सा हम इसके साइड में ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, हल्का सा डाल देंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, इसे हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। जैसे एक तरफ से सिक जाए, ये देखिए नीचे से अच्छे से सिक गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम पलट देंगे। देखिए दूसरी तरफ से हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से सिक रहा है, तब तक हम डालेंगे इसके ऊपर रेड चिल्ली सॉस। मैंने यहाँ थोड़ी सी रेड चिल्ली सॉस ली है और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी मेयोनीज, थोड़ी डाल देंगे हम इसमें मेयोनीज, बच्चों को बहुत पसंद आती है। रेड चिल्ली सॉस और मेयोनीज को हम इस पर फैला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चीज़ डालना है हमें ग्रेट करके। ये देखिए अब इसे हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है ये। ये देखिए इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितने यमी दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं बचे हुए राइस से। ये देखिए बचे हुए राइस से आप बहुत ही अच्छा नाश्ता बना सकते हैं।
आप इसे टिफिन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप बेसन आप आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा गाढ़ा रखना है हमें बैटर, बाइंडिंग के लिए हमें बेसन डालना पड़ता है। इसी तरह से हम सभी नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।